सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे मेमोरी पर, स्मृति पर, ज्ञान पर, नॉलेज पर, और कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पे हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान, नॉलेज और मेमोरी, इनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या ये महत्वपूर्ण है और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इसका हमारे लिए मतलब, ये एक चिंतनीय वीडियो है इसलिए इसमें मैं खुद सोच सोच के बोलूँगा और आप सुनिए और समझिए इसको। इस पर जितने विचार आएंगे मैं आप पर रखूँगा। देखिए, सबसे पहले हम स्मृति की बात करते हैं, मेमोरी की। आपने जानते हैं मेमोरी एक शॉर्ट मेमोरी है हमारी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। कोई चीज़ जब बहुत बारीक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से हम पर असर करती है, जिसके साथ हमारी कंडीशनिंग बहुत देर तक होती है, वो हमारे अंदर रहती है लंबे समय तक। या किसी ने आपको बहुत गहरा घाव दिया हो, या चोट लगी हो, या कुछ बात रही हो, वो चीज़ हमारे अंदर, हमने जितनी गहराई से उसे ग्रहण किया है वो हमारे अंदर उतनी गहराई से रहती है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण करते वक्त जरा सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसे तुम देख रहे हो बड़ी बारीकी से, तो वो तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, चाहे तुम चाहो चाहे ना चाहो, वो हो रहा है, बस वो सबकॉन्शियस में बैठेगा जा करके, ठीक है। भले ही तुम्हारी एक्टिव मेमोरी में तुम्हें कॉन्शियस में ना समझ में उस समय आए, लेकिन वो बाद में फिर आएगा, कहीं ना कहीं वापस आएगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। बहरहाल, दूसरी मेमोरी है, जैसे कि आपने आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, भूल गए, दो चार दिन में, हर दिन चलते चलते चलते, मेरे ख्याल से जैसे कंप्यूटर की रैम रोम मेमोरी होती है वैसे हमारी भी है, ठीक है। वैसे हमारे अंदर भी फिट की गई है। अब यहाँ पर क्या है, जितनी भी चीज़ें हम सीखें, ठीक है, वो हम सब भूल जाते हैं। इस मेमोरी की खूबसूरती यही है कि ये हमें भुला देती है। अब हमें ऐसी मेमोरी चाहिए कि हम किसी चीज़ को ना भूलें। समझिएगा ध्यान से, हमने एक चीज़ पढ़ी, हमने मान लीजिए, मैं ही हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने MS पावर पॉइंट सीखा, या मैंने MS वर्ड्स एक्सेल सीखी, पहले क्लास 10th 11th ऐसे कुछ सीखी थी, 8th 10th में, 10th में सीखी होगी एक्सेल। तब मैं एक्सेल चला लेता था, तब मुझे कुछ नहीं पता, 11th 12th में भी चला लेता था आराम से। पर अगर आप उससे पूछोगे तुम MS एक्सेल चला लो, तो मैं नहीं चला सकता, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया उसमें क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, कैसे कॉपी होता है। हाँ, हो सकता है मैं चलाऊँ तो मैं फिर से सीख जाऊँ, अगर मैं उसकी प्रैक्टिस करूँ। कोई भी चीज़ ऐसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए XYZ कंट्री कहाँ पर है, सपोज़ आप उससे पूछो कि अज़रबैजान कहाँ पर है, हो सकता है मुझे याद ही ना आ रहा हो इस समय, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में पहले था, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, अब मैं नहीं पढ़ा। या मैंने यूरोप का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन अब मैं सब भूल गया हूँ क्या था। सपोज़ मुझसे कोई इसने पूछ लिया बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी, तो मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, पर पहले मुझे याद था। अब इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, देखिए समझिएगा ध्यान से। हम चीज़ें भूल जा रहे हैं, हम चीज़ें याद करने के लिए हम उसे फिर से पढ़ रहे हैं, हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। मेरी बात अब आप समझिए इसको इस तरीके से, जैसे मैं आपके पास आऊँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं रोज़ आके क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाऊँ कि साहब यहाँ पे एक पेन नहीं रखा है, मान लीजिए एक पेन है, से इमेजिन कर लीजिए एक पेन है, मैं रोज़ आपको बताऊँगा करके कि ये एक पेन है और इसका काम लिखना होता है, मैं डेली क्लास में बस एक ही चीज़ आके पढ़ाऊँ, तो आप कहोगे अरे तो पागल है, ये रोज़ एक ही चीज़ बता, हमें मालूम है। सो द पॉइंट इज, अगर आपको एक ही चीज़ बार बार बताई जाएगी तो आप उससे ऊब जाएंगे। समझने का ध्यान समझना, जैसे मैं तुमसे कहूँ ये रोज़ मैं तुम्हें आकर के एक चीज़ समझाऊँ कि ये कोई चीज़ है, इसका ये काम है, तुम कहोगे रोज़ आऊँ हर 10 मिनट में इसी पे लेक्चर दूँ, ये ऐसे काम करता है, ये माइक है, ये है ये, तुम कहोगे अरे पागल रोज़ एक आता है, रोज़ वो एक ही चीज़ बता के चला जाता है, कुछ नया आता है कि नहीं, कोई बैठेगा ही नहीं वहाँ सुनने के लिए, इतना उबाव हो जाएगा, अरे यार कितना बोरिंग टीचर है, रोज़ एक ही चीज़ पढ़ाता है। समझना, अब इन्होंने क्या किया, अब इसका मतलब, इससे दो चीज़ें निकलती हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ मालूम है, समझना, अगर तुम्हें कोई चीज़ मालूम है, ठीक है, इफ़ यू नो समथिंग, तो वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तुम्हें मालूम है ये मोबाइल है, ये टेबल क्लॉथ है, ये टेबल है, ये अलमारी है, सो देयर आर नेम्स, ये पंखा है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, तो तुम्हारा रुझान और तुम्हारा इंटरेस्ट ख़त्म होता है उस चीज़ में। अब इन्होंने क्या किया, अगर मेमोरी परमानेंट होती, जो भी चीज़ रखो याद रहती,
तो उसके नुकसान भी थे फ़ायदे भी थे। नुकसान ये था कि जो दुश्मन होगा वो दुश्मनी बढ़ती जाएगी हर समय सोचोगे, लेकिन भूल गए तो याद कम रहता है। कोई प्रेम में बिछो हो गया मान लो, कुछ दिनों का दुख रहा, भूल गए, याद आ गया, थोड़ा बहुत दुख हुआ, ऐसे बहुत दुख होता। लेकिन मेरा मानना है कि एक ऐसी मेमोरी की एक प्लेट होगी, एक मेमोरी की ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे हर चीज़ याद रखती होगी, वो कभी नहीं भूलती होगी। मैं मानता हूँ जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसमें मेमोरी परमानेंट होती होगी, इसीलिए उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, डिसइंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में पैदा करना है, डिस्पैशन पैदा करना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ नॉलेज के लिए, ठीक है, वो तभी प्राप्त हो सकती है जब आपकी मेमोरी में कोई चीज़ सब कुछ या आपको सब कुछ मालूम हो पहले से। अगर तुम सब कुछ जानते हो, जैसे मान लो तुम अमेरिका घुमाए, यहाँ घुमाए, वर्ल्ड पूरी दुनिया घूम ली, तुमने सब कुछ जान लिया, ये चीज़ ऐसे बनती है, तुम सारी इंडस्ट्रीज़ घुमाए, आईटी कंपनीज घुमाए, तुम ये घुमाए, तुमने सब कुछ सारा वर्ल्ड का जितना भी इसका बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वर्ल्ड पैदा होना मरना जमना सब देख लिया, रोना धोना, प्रेम प्रेम इमोशन, जितने भी इमोशन है तुमने सब चीज़ को ट्रैवल कर लिया जितने एक ही जीवन में, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मान लो ले किसी आदमी ने, वैसे हो नहीं सकता है, तो क्या उसका कोई इंटरेस्ट रह जाएगा? और उसकी एज, अगर हम एक आदमी की एज को बढ़ा दें, इन्होंने चला कि ये भी यहाँ पे करिए कि एज 100 साल ही कर दी, 80 साल ही कर दी, उसमें भी 20 साल ऐसे 70 साल के बाद आदमी कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा है, समझिएगा, अगर ऐसा है, अगर किसी आदमी की एज को हम बढ़ा दें 300 साल, तो जब तुम 300 साल के आदमी से मिलोगे और तुम्हारी एज 70 साल होगी, तो ये ऐसे ही जैसे कि वो PhD क्लास में, तुम नर्सरी में हो, क्योंकि उसको सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, समझ रहे हो, उसकी मेमोरी में सब कुछ है कि हाँ इससे ये होता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ही नोज एवरीथिंग, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, इस कंट्री में ये होता है, इस कंट्री में वो होता है, इस कंट्री में ऐसी सॉइल है, इस कंट्री में ऐसा पानी है, और उसका प्रोफाउंड मेमोरी हो, तो ही विल बी डिसइंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड, तो वो यहाँ से निकलने की सोचेगा। तो एक आदमी तब यहाँ से निकलने की सोच सकता है जब उसको यहाँ के बारे में सब कुछ जानकारी हो, इस संसार के बारे में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों क्यों होता है, कब कब होगा, और ये होगा तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, जिसको सब चीज़ की पूरा एक्सपीरियंस हो जाए, तो उसे कंप्लीट डिस्पेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इन लोगों ने किया क्या, अब अगर एक बर्थ से दूसरे, अगर हम हिंदू हैं, मगर मैं सॉरी सनातन धर्मी है, हिंदू ही मतलब समझिए, मतलब सनातन धर्म में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रीबर्थ होती है, अगर एक बर्थ से हम दूसरे बर्थ पे भी उस सारी मेमोरी को उठा के ले जाएं, ठीक है, जैसे भगवान ने ऐसा लिखा है कि आप जो योग में, जो कि कबीर भी यही कहता है, क्योंकि तो इसमें और तो कुछ जाता नहीं फिजिकल एसेट्स, तो जो माइंड में जो मतलब आपने अपनी ग्रोथ कर ली है, ठीक है, जो जो आपकी बॉडी की जो अंदर की ग्रोथ हो चुकी है, वो आप अपने साथ ले जाते हो, ठीक है, अगर आप उसको भी ले जा लो, ठीक है, अगर आप सब कुछ ले जाने वाली कैपेसिटी होती हमारी, एक इसको ऐसे सोचो, अगर हमारी सब कुछ ले जाने वाली कैपेसिटी होती, ठीक है, तो अगले जन्म में हम और इवॉल्व हो जाते, समझ रहे हो, तो हम यहाँ पर जितने भी मतलब प्राणी होते उनका इवोल्यूशन बढ़ता जाता, मेंटल, उनकी मेंटल जो कैपेसिटी है और नोइंग नॉलेज है वो इतनी बढ़ जाती, सोचो कल्पना करो इस चीज़ के बारे में, लोग कितना ज़्यादा सोच लेते, समझो। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया सिस्टम में, इन्होंने क्या किया, वो मेमोरी को आदमी के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म कर दिया। तो तुम समझ लो जो तुम्हें आता है वो किस काम का, किसी काम का नहीं है, इसको ऐसे इंटरप्रेट करो। एक आदमी था, उसने बहुत सारी नॉलेज गेन की, वो पैदा हुआ, वो डॉक्टरी पढ़ी, उसने डॉक्टर बना, वो बहुत सारी डॉक्टरी पढ़ ली, उसने सबका इलाज भी कर दिया, फिर आखिरी में वो मर गया, ख़त्म हो गया वो, तो उसने जो कुछ किया वो याद ही नहीं अगले जन्म में। अब वही डॉक्टर अगर अगले जन्म में सारी नॉलेज लेके पैदा हो तो उसका क्या कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक चलाकी करी तुम्हारे साथ। तो इससे ये भी साबित होता है कि जिसने ज़िंदगी भर जो भी कुछ किया या पढ़ा है, जो भी कुछ किया, वो सब कचरा था या कूड़ा था, वो दैट्स वाई वो उसको यहाँ से कहीं आगे बढ़ाने के लिए योग्य नहीं था, वो ना यहाँ पे वो किसी काम का है। इसका मतलब वो जितना भी कुछ था वो यहीं बस काम करने के लिए था, समझना ध्यान से, वो यहाँ पर ही काम करने के लिए था। तुम जो भी अभी कर रहे हो, जितनी भी तुमने नॉलेज किताबें पढ़ी हैं, वो सब यहीं काम करने के लिए हैं। हाँ, तुम ये जानते हो कंप्यूटर पढ़ लिया, यहाँ कंप्यूटर चला लिया तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तुमने ये डॉक्टरी पढ़ ली, इंजीनियरिंग पढ़ ली, तुम IAS बन गए, हाँ इसमें ऐसा 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 करना है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, उसका तुम ये बन गए, तुमने ये कर दिया। तो इसकी यहाँ की जितनी भी नॉलेज है वो बस यहाँ के कामों के लिए है, उसका और ऊपर से कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए वो तुम्हारे साथ जाती ही नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया और सिस्टम ने ठीक भी किया है, क्योंकि अगर दुख भरी मेमोरी भी साथ जाती तो आदमी दुखी रहता हमेशा, तो उन्होंने कहा इसको ख़त्म कर दो, इसका मतलब जितना भी था वो सब कचड़ा था, ठीक है। अब तुम हम नॉलेज पर चर्चा करते हैं। अब चूंकि मेमोरी और नॉलेज एक तरीके से रिलेटेड है, अब तुम्हें याद है, अगर वो आएगा तुम्हें मालूम है ये यहाँ पर है, हाँ
तो ये नॉलेजेबल आदमी है भाई। हल्दी घाटी का पहला युद्ध कब हुआ था? हाँ इसी नो इज ए नॉलेजेबल पर्सन। तो यहाँ तो ऐसे लोगों को नॉलेजेबल कहा जाता है। खैर इस बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तो खाली एक मेमोरी और एक सामान्य ज्ञान की बात है। लेकिन इन्होंने ये जो मेमोरी की इरेजमेंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो अगर हम ये चर्चा करें कि कॉन्शियसनेस पे, ये सबसे हायर लेवल पे जो मेमोरी है वो परमानेंट है, ठीक है। जीसस ने एक जगह बाइबल में ये लिखा है कि तुम्हारे शरीर में कितने बाल हैं वो भी पता है। इसका मतलब जानते हो क्या है? यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरा पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। इन्होंने एक पूरे का पूरा एक प्रोग्राम और एक सिस्टम डेवलप किया है इस कॉन्शियसनेस में। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा बहुत सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा बढ़िया से प्रोग्रामिंग है उसकी, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और इसमें जो भी कुछ चलाना होता है, जो भी कुछ होता है, उसको रखा जाता है और वो आप देख सकते हैं वो होता है यहाँ पर। राजा किले बनाएंगे, राजा होंगे, रानियाँ होंगी, प्रजा होगी, सब सब प्रोग्राम है, वे चलते रहेंगे ऐसे ही। आज मुगल वंश, आज अंग्रेज आ गया, आज ये आ गया, आज ये आ गया, अभी ये आ गया, अभी ये आ गया, ऐसे ही। आज अमेरिका में ये हुआ, आज यहाँ ये होगा, ये होगा। तो इट मीन्स इट इज़ फिक्स्ड। और ये एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और जिसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें पास वो दिमाग ही नहीं दिया गया। तो अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? देखिए, इसमें करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेमोरी और नॉलेज का संबंध है, तो नॉलेज की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक हम उसे नहीं जानते। एग्जाम्पल के लिए, कोई आदमी को सिद्धि प्राप्त हो गई सारी, तो उसके लिए सिद्धि भी कोई खास बात नहीं है। कौन सी सिद्धि बहुत बड़ी बात है? तुम बताओ मुझे, तुम बड़े हो गए, छोटे हो गए, क्या कर लिया तुमने? आखिरी में देखो क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊँ। अ पर्सन हु इज असली, जो जो टोटल नॉलेज है ना, वो किस आदमी को मिल सकती है जिसमें कुछ भी पाने की चाहत नहीं है? बिकॉज ही ऑलरेडी नोज एवरी थिंग, ही हैज़ एवरी थिंग, ही हैज़ एक्सपीरियंस एवरी थिंग, और ही इज़ डिस्पेशन अबाउट एवरी थिंग। वैराग्य हो गया। क्या हो गया? वैराग्य। तो जब आदमी को पूर्णतः वैराग्य हो गया, ठीक है, तो वो कोई भी नॉलेज को खींचे, नॉलेज में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे ये भगवान ये है, ये भगवान ये है, ये भगवान ये, तुम कहोगे यहाँ तक, कहाँ तक नाम याद रखूँगा? समझिए, सर्वधर्म परित्याज, सारे ही के सारे धर्म छोड़ दिया। धर्म का मतलब कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, डिस्पैशन और वैराग्य हो गया। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए यहाँ पर जिसको किसी चीज़ में कोई बहुत ज़्यादा ना पैशन हो, ना कोई उसके प्रति कोई वो हो, मतलब कोई ना करने की भावना, करने की भावना भी ना हो, उसको जो आता हो वो कर लेता हो, जो ना हो उसके लिए परेशान ना हो, लेट गो और लेट कम, आता है ठीक है, नहीं आता है नहीं आता है। ऐसा आदमी चाहिए, वो किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो तुम इस तरीके से, इस तरीके से अपनी अपने आप को इस तरीके का बनाने का प्रयास करो, ठीक है। और इस मेमोरी और नॉलेज, जब तक तुम्हारी मेमोरी में वो चीज़ है तो तुम नॉलेज, तुम्हें लगता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ है वो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।